Hello children, welcome to Dikshant to take. My name is Anupa. I am your nursery teacher. So today I will teach you GK subject. Okay, GK subject in what can I do? The topic is what can I do? It means hum kya kar sakte hai? To aap kya kar sakte ho? Batao, hum to bahut kuch kar sakte hai na? ये बताओ क्या है ये जो मैं कर रही हूँ इसको क्या कहेंगे? पता है आपको? नहीं पता? अभी मैं क्या है, मैं बैठी हूँ या स्टैंडिंग पोजीशन में हूँ या सिटिंग पोजीशन में मैं बैठी हूँ या खड़ी हूँ, ये क्या है? तो ये मैं खड़ी हूँ अभी. तो ये सब जो चीज़ जो हम लोग रोज करते हैं ना, कोई भी काम, तो वो क्या होता है? एक्शन. ठीक है, तो एक्शन में क्या होता है? तो आज हम क्या क्या कर सकते हैं? आज हम एक्शन कर सकते हैं. तो एक्शन में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी? तो आज हम ये जीके क्लास में यही पढ़ने वाले हैं कि हम कौन कौन सा एक्शन कर सकते हैं. तो हम एक्शन बहुत सारा कर सकते हैं, जैसे लिखना हो गया, पढ़ना हो गया, खेलना हो गया, कूदना हो गया, और क्या हो गया, प्लेइंग करना यानी खेलना, उसके बाद जंप करना. तो ये सब जो एक्शन है इसका हम वन बाय वन उसको करेंगे भी और देखेंगे भी और सीखेंगे भी. ठीक है, तो हम क्या करेंगे? राइट एंड लर्न करेंगे. सॉरी, तो यहाँ पे हम आ गए. देखो क्या है, व्हाट कैन आई डू, मतलब हम क्या क्या कर सकते हैं. तो हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं. हम रन कर सकते हैं, हम क्राउल कर सकते हैं, हम वॉक कर सकते हैं, हम डांस कर सकते हैं. आप रन करते हो अपने घर पे? जैसे मम्मी बोलेंगी कि आप आओ, तो आप रन करके आते हो. तो वो सब क्या हो गया? एक्शन हो गया. ठीक है, और ये क्या है? ये जो गर्ल है वो क्या कर रही है? तो स्टैंड है. जैसे मैम है वैसे गर्ल्स भी है. तो ये क्या है? स्टैंडिंग पोजीशन है इसका. तो जब स्टैंडिंग पोजीशन होगा तो स्टैंडिंग पोजीशन क्या हुआ? एक्शन हुआ. तो ये है स्टैंड. और ये क्या कर रही है? तो ये प्ले यानी कि खेल रही है. ये क्या है? जंप. और लाफ, ये हंस रहा है. और रीड कर रहा है, थिंक कर रहा है. और ये राइट कर रहा है, ये ड्रिंक कर रहा है, राइट कर रहा है. और ये क्या कर रही है? सिंग कर रही है. ये क्राई कर रहा है. और ये क्या कर रहा है? क्लीन कर रहा है. और ये क्लैप, और ये किक, और ये स्लिप. तो हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं. आप क्या क्या कर सकते हो इनमें से? आपको टिक करना है. ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हम रेगुलर अपनी डेली की लाइफ में बहुत सारे काम हम लोग करते हैं, और इन्हीं कामों को हम क्या बोलते हैं? एक्शन. ओके, तो एक्शन वर्ड है ये. अब आते हैं वन बाय वन. ये क्या है? आई कैन रन. ये क्या है? ये बॉय क्या कर रहा है? रन कर रहा है. रन करना क्या हुआ? एक्शन. तो रन की स्पेलिंग क्या हुई? आर यू एन. और जो रन होता है उसका जो फर्स्ट लेटर क्या हुआ? आर. तो आर फर्स्ट लेटर हुआ, और जो आर रन है वो क्या हुआ? एक्शन हुआ. ओके, तो ये क्या है? रन. रन वर्ड इज अ एक्शन वर्ड. ओके, नेक्स्ट इज सिट. अब कोई बैठा है, तो जब बैठा है तो ये भी क्या है? एक्शन वर्ड है. तो सिट, एस आई टी, सिट. आई कैन सिट, मैं बैठ सकता हूँ, मैं बहुत सारी एक्टिविटी कर सकता हूँ, मैं रन कर सकता हूँ, और मैं बैठ भी सकता हूँ. तो ये जो बॉय है वो क्या है? बैठा है. तो जो बैठना हुआ उसका इंग्लिश क्या हुआ? सिट. और सिट की फर्स्ट लेटर क्या हुई? एस. एस फॉर सिट. सिट क्या हुआ? एक्शन वर्ड. तो नर्सरी क्लास, अपने ईयर्स को ओपन कर लो और ध्यान से सुनो. ओके, मैं लास्ट में पूछूंगी कि जंप का फर्स्ट लेटर क्या है, रन का फर्स्ट लेटर क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा. इसलिए इस वीडियो को फुल वॉच करना पड़ेगा, बाद में पजल गेम होगा. ओके,
आई कैन जम्प, आई कैन जम्प। जम्प मीन्स क्या होता है? कूदना, उछलना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? कूद सकते हैं, जम्प कर सकते हैं। तो जम्प क्या होता है? एक्शन वर्ड होता है। तो जम्प है, जम्प किस लेटर से स्टार्ट हुआ? जे, जे यू एम पी, जम्प। हम जम्प भी कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है? क्लैप, आई कैन क्लैप। क्लैप मीन्स क्या होता है? ताली बजाना। जब हम कोई अच्छी बातें सीखते हैं या फिर बड़े आते हैं कुछ लेक्चर देते हैं या फिर कोई हमें अच्छी बातें बताता है या फिर हमारा बर्थडे होता है और कोई प्रोग्राम होता है तो हम उसमें क्या यूज़ करते हैं? क्लैप करते हैं। तो क्लैप क्या हुआ? क्लैप हुआ एक्शन, और ये हम कर सकते हैं। क्लैप आपको पता है ना, जब दोनों हम हैंड्स को आपस में क्या करते हैं? बीट करते हैं, तो क्लैप होता है। और जो क्लैप होता है वो उसका फर्स्ट लेटर क्या होता है? सी, सी फॉर क्लैप। ये देखो, क्लैप भी कर रही है और लाफ भी कर रही है, मतलब ताली भी बजा रही है और हंस रही है। तो ये सब क्या हुआ? एक्शन हुआ। ओके, तो अब आते हैं, सब कोई क्लैप करो, स्टार्ट करो क्लैप करना। अब ये क्या है? गेस करो, क्या कर रहा है ये बॉय? हाँ, सही बात है, ये क्या है? वॉक कर रहा है, टहल रहा है। आई कैन वॉक, मैं टहल सकता हूँ। तो टहलना क्या हुआ? हम लोग जब मॉर्निंग में जगते हैं ना, है ना, तो हमें टहलना चाहिए। हम टहलेंगे तो फिट होंगे, ठीक है? तो आप मॉर्निंग में टहलोगे तो आप फिट होगे। तो वॉक क्या हुआ? वॉक मीन्स टहलना, और टहलना क्या हुआ? एक्शन वर्ड हुआ। और हम दौड़ सकते हैं, बैठ सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? जंप कर सकते हैं, और क्या है ये? वॉक भी कर सकते हैं, क्लैप भी कर सकते हैं। तो ये क्या है? वॉक। वॉक मीन्स क्या है? टहलना, और इसकी फर्स्ट लेटर W, W फॉर और कौन सा वर्ड होता है? वॉच होता है, विंडो होता है। नेक्स्ट है डांस, आई कैन डांस। डांस तो सबको पसंद है, कोई भी सॉन्ग बजा दो और आप लोग डांस शुरू कर दो, जैसे भी आता है वैसे करो। तो ये सब क्या है? एक्टिविटी भी है और क्या है? एक्शन भी है, और हम लोग डांस तो कर ही सकते हैं। तो डांस आप करो तो ये कौन सा वर्ड हो जाएगा? एक्शन। और डांस किस लेटर से स्टार्ट हुआ? डी फॉर डांस, और डी फॉर और कौन सा वर्ड होता है? डक, है ना। डी फॉर डांस और डी फॉर डक, डी फॉर ड्रम। ओके, तो ये क्या है? ये बॉय जो है वो डांस कर रहा है। तो सब कोई डांस करो, एक्शन करो, डांस, वेल डन। तो जो डांस है उसका जो फर्स्ट लेटर है क्या है? डी है। डांस मीन्स क्या होता है? नाचना। ओके, नेक्स्ट आते हैं, आई कैन राइट, आई कैन राइट। ये देखो, बॉय है, नर्सरी क्लास में पढ़ता है और ये राइट कर रहा है। क्या कर रहा है? ए बी सी डी राइट कर रहा है। तो राइट मीन्स क्या होता है चिल्ड्रेन? राइट मीन्स होता है लिखना। तो लिखना आपको बहुत पसंद है ना, मैम आपको बहुत बोर करती लिखवा लिखवा के, है ना। तो आप लोग को राइटिंग पसंद है? नहीं, नो नहीं बोलना है, यस बोलना है। ओके, यस, सबको राइटिंग पसंद है। तो राइट मीन्स होता है लिखना, और ये क्या है? फर्स्ट लेटर डब्लू, डब्लू मीन्स राइट, राइट मीन्स लिखना। और जो राइट वर्ड है क्या है? एक्शन है, क्योंकि हम उसको करते हैं, और जो भी काम हम करते हैं वो क्या होता है? एक्शन होता है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है ये बॉय? राइट कर रहा है। और इसने क्या पहन रखा है? देखो, रेड कलर की टी शर्ट और रेड शूज भी पहन रखा, और जो वो पेंसिल्स यूज कर रहा है
उसका कलर क्या है? ब्लू. वेल डन. तो राइट मीन्स लिखना, और राइट की जो फर्स्ट लेटर है क्या है? डब्ल्यू. ये क्या कर रहा है बॉय? स्टैंडिंग पोजीशन में है. स्टैंड मीन्स क्या होता है? खड़ा होना. तो स्टैंड मीन्स खड़े होना. आई कैन स्टैंड. मैं खड़ा भी हो सकता हूँ. आप लोग सबको स्टैंड अप हो जाओ. मैम यूज करती है ना स्टैंड अप ऑल ऑफ यू, इट मीन्स सभी कोई खड़े हो जाओ. तो ये क्या हुआ? एक्शन वर्ड हुआ. और इसका हिंदी क्या हुआ? इट मीन्स सभी जो है, स्टैंड मीन्स खड़ा होना, ठीक है. और जो स्टैंड होता है STESTANDED स्टैंड, और स्टैंड का फर्स्ट लेटर क्या होता है? एस. अब कोई दूसरा वर्ड बताओ एस से क्या होता है? सन. एस फॉर सन. एस फॉर सनफ्लावर. तो ये हुआ सन. स्टैंड, स्टैंड मीन्स खड़ा होना, और स्टैंड का फर्स्ट लेटर क्या हुआ? एस, ठीक है. स्टैंड मीन्स खड़ा होना, ठीक है. तो ये हो गया कौन सा वर्ड? एक्शन वर्ड. और हम कर सकते हैं इसको. वेल डन. नेक्स्ट आप देखो क्या करना है हमें. किक. किक मीन्स होता है मारना, है ना. किक मीन्स मारना. आई कैन किक. तो हम लोग किक करना है, तो आप बॉल को किक कर सकते हो, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज है, उसको आप पैर से ऐसे मारोगे तो वो हो जाएगा किक, है ना. तो किक मीन्स मारना, और ये क्या है? एक्शन वर्ड है. और के फॉर क्या होता है? किक. के आई सी के. किक. किक मीन्स मारना, और उसका फर्स्ट लेटर के. और जो किक है पूरा होल वर्ड क्या हुआ? एक्शन. तो आप किक मारते हो क्या बॉल को? हाँ. गिलास को? हाँ. गुस्से में आते हैं तो हम कोई भी ऑब्जेक्ट को किक मार देते हैं ना, कभी पेन को, कभी पेंसिल को, कभी कभी कप को, है ना. तो गुस्सा नहीं करना है, एक्शन करना है. जब भी किक मारना फुटबॉल को, बॉल को, खेलने वाली चीज़ को, दूसरे ऑब्जेक्ट को नहीं किक करना है. ये बहुत बैड मैनर्स है. अब आते हैं नेक्स्ट. तो हमारा जो एक्शन वर्ड है वो कंप्लीट हो गया. अब हमें क्या करना है? एक्टिविटी करनी है. तो एक्टिविटी में आपको क्या करना है? ये फोटोग्राफ देखना है, और ये फोटोग्राफ देखना है, और ये जो क्या काम कर रहे हैं ये हमें थिंक करना है. तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पिक्चर को वॉच करना है अच्छे से, और फिर थिंक करना, सोचना है उसके बाद ये क्या काम हो रहा है, कौन सा एक्शन हो रहा है, कौन सी एक्टिविटी हो रहा है, ये आपको गेस करना है, और उसके बाद उसको मैच करना है. तो ये पहले क्या है? ये क्या है? डोर. तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये इसको ओपन कर रहे हैं. तो ये जो सर हैं ये क्या कर रहे हैं? डोर को ओपन कर रहे हैं, यानी खोल रहे हैं. तो खोलना का क्या हो गया? ओपन. वेरी गुड. अब ये क्या है? ड्रम पे. ये क्या है? क्या कर रहे हैं? जंप कर रहे हैं. जंप अभी बताया था ना, एक्शन वर्ड है. जंप मीन्स क्या होता है? कूदना. तो देखो जंप का फर्स्ट लेटर क्या होता है? जे यू एम पी. जे. जे फॉर जंप. देखो जे से कौन सा वर्ड शुरू हो रहा है? तो ये जे फॉर जंप. नाउ नेक्स्ट इज, ये क्या कर रहे हैं? अरे ये तो ब्रेड इज सैंडविच खा रहे हैं. तो ये खाना का क्या होता है? ईट. ईट मीन्स खाना. तो ये भी क्या हो गया? एक्शन. क्योंकि हम इसमें काम करते हैं, और जो हम काम करते हैं वो सारा क्या होता है? एक्शन वर्ड होता है. तो ये क्या है? ईट. ईट की स्पेलिंग किससे शुरू हुई? ई. ई ए टी. ईट मीन्स खाना. और ये क्या है? स्मेल. ये किसी फ्लावर को सूंघ रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, यानी स्मेल. स्मेल की स्पेलिंग किससे शुरू होती है? एस से. तो देखो एस कहाँ शुरू हो रहा है इसमें, कौन सा वर्ड है ऐसे शुरू होने वाला? ये. तो ये यहाँ हम इसको टिक कर देंगे, मैच कर देंगे. अब उसके बाद आते हैं हमारा इधर का फोटोग्राफ का तो कंप्लीट हो गया. अब यहाँ पे देखो ये क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं कान से. सुनो सुनो. क्या सुनो? तो यहाँ पे सुनना का क्या हुआ? लिसन. तो लिसन का
ये लिसन मीन्स सुनो, एल से स्टार्ट होता है। ये किससे स्टार्ट हुआ? एल से। और उसके बाद ये क्या कर रही है? ए तो मिल्क पी रही है। इट मीन्स पीना का क्या होता है इंग्लिश? ड्रिंक। तो ड्रिंक जो होता है क्या हुआ? एक्शन वर्ड हुआ। ड्रिंक मीन्स क्या होता है? पीना। तो ड्रिंक किससे स्टार्ट हुआ? डी से। वेल डन। नेक्स्ट क्या है? अब ये क्या है? ये क्या है? सिट। तो यहाँ पे ये क्या है? ये जो है बैठे हुए हैं। तो यहाँ बैठना का क्या होता है? सिट। और सिट की स्पेलिंग किससे शुरू होती है? एस से। तो एस फॉर सिट। ओके, अब नेक्स्ट क्या है? क्लोज। तो ये क्या कर रहे हैं? ये गिफ्ट बॉक्स को क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गिफ्ट वो सॉरी तो यहाँ पे ये जो डोर है इसको वो क्लोज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्लोज हो गया और यहाँ पे गिफ्ट बॉक्स को ये ओपन कर रहे। तो ये हमारा क्या हो गया? एक्शन वर्ड हो गया। ईट है, लिशन है, ये सब क्या है? एक्शन। जो काम हम करते हैं वो सारा कुछ क्या होता है? एक्शन। रेगुलर करते हैं जो काम हम अपने हाथों से पैरों का यूज करते हैं, जितना भी हम काम करते हैं वो सब क्या होता है? एक्शन वर्ड होता है। जैसे ड्रिंक करना, ईट करना, राइड करना, जंप करना, रन करना, प्ले करना, ठीक है, ये सारे जो वर्ड्स हैं क्या है? एक्शन वर्ड है। अब नेक्स्ट एक्टिविटी देखो क्या करना है। एक्शन वर्ड है तो सबसे पहले हम इसको रीड के देखो, ये क्या है? रीड है, जंप है, स्विम है, राइट है, ईट है। टॉक मीन्स क्या होता है? बात करना। ड्रिंक मीन्स तो आपको पता है पीना होता है। और वॉक मीन्स क्या होता है? टहलना होता है। तो ठीक है, तो आपको तो क्या करना है? फोटो को देखना है कि कौन सा जो गर्ल्स है, कौन सी जो बॉय एंड गर्ल्स हैं, जो बच्चे हैं, जो चिल्ड्रंस हैं, वो कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं, कौन सा एक्शन वर्क कर रहे हैं, और उसी एक्शन को हमें क्या कर देना है? उससे मैं वहाँ पे राइट कर देना है। ठीक है, फर्स्ट लेटर हम इसका राइट करेंगे। तो ये देखो, ये फर्स्ट में क्या कर रहे हैं? ये पेरेंट्स क्या कर रहे हैं? तो पेरेंट्स जो है वो क्या कर रहे हैं? वॉक कर रहे हैं। तो वॉक जो होता है उसका, ये देखो वॉक कहाँ लिखा हुआ? ये, तो ये वॉक हम यहाँ पे लिखेंगे डब्ल्यू ए एल के। तो फर्स्ट लेटर इसका क्या हुआ? डब्ल्यू, है ना। अब ये क्या है? स्विम कर रहा है। स्विम मीन्स क्या होता है? तैरना। स्विम मीन्स तैरना। जब ये स्विम कर रहा है तो स्विम को हम किससे शुरू करते हैं? एस से। ठीक है, तो एस वर्ड क्या हो गया? स्विम। स्विम का एस। अब ये क्या है? जंप। जंप मीन्स कूदना। तो जंप मीन्स कूदना। तो जंप की स्पेलिंग किससे शुरू हुई? जे यू एम पी। किससे स्टार्ट हुआ? जे। देखो जे से स्टार्ट होने वाला कौन सा वर्ड है? ये। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? जे फॉर जंप। और ये क्या है? ये दोनों क्या कर रहे हैं? बातें कर रहे हैं। तो बातें कर रहे हैं तो क्या होगा उसका? टॉक, टी ए एल के। टॉक, टॉक मीन्स बात करना। तो यहाँ पे हम देखो टी से क्या स्टार्ट हुआ? ये वाला वर्ड। तो यहाँ पे टी राइट डाउन करेंगे हम। उसके बाद ये क्या कर रही है? नो, सिक्स नंबर ये है, फोर नंबर ये है, मैंने रॉन्ग कर दिया। यहाँ पे क्या है? फोर। ये क्या है? ये बॉय क्या कर रहा है? ड्रिंक कर रहा है। वन टू थ्री फोर, फोर नंबर पे ये होगा। तो ये जो बॉय है वो क्या कर रहा है? ड्रिंक कर रहा है, यानी कि दूध को पी रहा है। ड्रिंक मीन्स क्या होता है? पीना। तो जो ड्रिंक की स्पेलिंग किससे स्टार्ट हो रही है? डी फॉर ड्रिंक। नेक्स्ट क्या है? फोर के बाद कौन सा नंबर आता है? फाइव। ये जो गर्ल है वो क्या कर रही है? खाना खा रही है। तो खाना खाने का क्या होता है? ईट। तो ईट की स्पेलिंग किससे शुरू होती है? ई ए टी। तो हम यहाँ पे क्या राइट डाउन करेंगे? ई। फाइव के बाद कौन सा नंबर आया? सिक्स। अरे बॉय क्या कर रहा है? चश्मा लगा के बताओ क्या कर रहा है? रीड कर रहा है। तो रीड की स्पेलिंग क्या होती है? आर ई ए डी, रीड। तो रीड किस लेटर से स्टार्ट हुआ? आर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? आर, आर फॉर रीड। नेक्स्ट सिक्स के बाद कौन सा नंबर आया? सेवन। सेवन, ये बॉय गर्ल है क्या कर रही है? राइट कर रही है।
क्या बनी हुई है, गणेश जी बनी हुई है। गणेश जी जल्दी जल्दी लिखते थे ना, अब बहुत सारा जल्दी जल्दी उन्होंने क्या कर दिया, सारा रामायण लिख दिया। ठीक है, तो वही क्या कर रहे हैं जल्दी जल्दी, तो ये क्या बनी हुई है, गणेश भगवान बनी। इतनी सारी देखो कितनी सारी कॉपियां लिख रखी इसने, तो ये क्या है राइट। लिखना का क्या इंग्लिश होता है राइट, और राइट का फर्स्ट लेटर क्या होता है डब्लू, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे डब्लू। नेक्स्ट में क्या है एट, तो ये जो है ये जो पेरेंट्स से क्या कर रहे हैं आपस में टॉक कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो बातें करने का क्या होता है टॉक, और टॉक का फर्स्ट लेटर क्या होता है टी। तो हमने सारा एक्टिविटी कर लिया, अब फिर से उसको रिपीट कर लेते हैं, वॉक स्विम जंप ड्रिंक ईट रीड राइट एंड टॉक ऑल आर दिस एक्शन वर्ड। नेक्स्ट इज oh match the verb to the correct picture, listen to the verb and drag the word and the space the provided. okay, to aapko kya karna hai, main jo bolungi usko aapko kya karna hai, uska first letter write down karna hai. okay, ye kya kar rahi hai eat, to eat kya karna, ye kya kar rahi hai, to yahan pe ye eat karne ja rahi hai, to isko kya karna hai E for eat. ये क्या कर रही है, खाना बना रही है, तो खाना बनाने को क्या बोलते हैं cook. तो cook की spelling किससे शुरू हुई C. ये क्या कर रहे हैं play कर रहे हैं, तो play करने का क्या होता है P for play. P for play. और ये क्या कर रही है, दिन भर सोई रहती है, पढ़ाई नहीं करती है, उठो उठो जल्दी उठो पढ़ाई करो, इसको जगाओ जुड़ा, तो ये क्या है सो रही है, दिन में कोई सोता है ये तो सो रही है, तो सोना का इंग्लिश क्या होता है स्लीप, और स्लीप किस लेटर से स्टार्ट हुआ एस, एस फॉर स्लीप, एस फॉर स्लीप। नेक्स्ट क्या है राइट ड्रॉ, ये क्या कर रहे हैं ड्रॉ कर रहे हैं, चित्र बना रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं, तो ड्राइंग जो होता है उसका फर्स्ट लेटर क्या होता है डी फॉर ड्राइंग, डी फॉर ड्राइंग। आपको बताऊं बहुत मजा आता है ना ड्राइंग करने में, कलर करने में बहुत मजा आता है ना, तो इनको भी बहुत मजा आ रहा है, देखो सीजर लेके बैठे हैं, पेंसिल कलर सब कुछ। ये क्या कर रहा है सिंग कर रहा है, इट मीन्स गाना बजा रहा है, गाना गा रहा है, तो गाने का इंग्लिश क्या होता है सिंग, एस फॉर सिंग, एस फॉर सिंग। ये क्या कर रहा है स्विमिंग कर रहा है, तो स्विमिंग यानी कि तैरना, तो तैरने का इंग्लिश स्विम, और स्विम का फर्स्ट लेटर एस। और ये क्या कर रहा है क्लाइंब कर रहा है, ये चढ़ रहा है, तो क्लाइंब जो होता है उसका मतलब ऊपर चढ़ना, क्लाइंब करना, तो इसका स्पेलिंग किससे शुरू हुआ सी। और ये क्या कर रहा है देख रहा है, किससे माइक्रोस्कोप से, तो ये देखने का इंग्लिश क्या हुआ लुक, लुक मीन्स देखना, तो एल फॉर लुक, एल फॉर लुक। वंस अगेन रिपीट दिस एक्शन वर्ड, ई फॉर एट, सी फॉर कुक, पी फॉर प्ले, एस फॉर स्लीप, डी फॉर ड्राइंग, एस फॉर सिंग, S for swim, C for climb, L for look, L for look. Next is write what can he or she do? Look the pictures. Okay, she can. ये क्या कर रही है? Run. She can run very fast. She can cook cookies, and he can sing. इसकी पिक्चर को देखना है, सारे जो पिक्चर है उनको देखना है, और फिर इसका रिप्लाई करना है, he can look a beautiful butterfly, he can
कैच अ बटरफ्लाई. ही कैन हैंग हिज पैंट्स. सी कैन प्ले द फ्रिस्बी. एंड ही कैन स्विम. ओके, तो ये हमने एक्शन वर्ड पिक्चर को देखकर फील कर दिया. ओके, अब और आपको फोटो देख के ये वर्ड यहाँ पे राइट डाउन करना है. तो ये क्या कर रहा है, ईट, ई फॉर ईट. देखो ईट कहाँ है, ये रहा, यहाँ क्रॉस करना है. ये क्या है, ड्रिंक. तो यहाँ ड्रिंक को क्रॉस करो और यहाँ पे ड्रिंक को राइट डाउन करना है. ठीक है, और ये क्या है, जंप. तो यहाँ पे जंप है, जंप को क्रॉस करना और यहाँ पे जंप को राइट डाउन करना. ये क्या है, स्विम. ये बच्चा क्या कर रहा है, तैर रहा है. तो यहाँ पे, और ये क्या कर रहा है, वॉक. तो यहाँ पे हम वॉक को क्रॉस करेंगे. नेक्स्ट क्या है, ये क्या कर रहा है, प्ले, है ना, रन कर रहा है. तो ये क्या कर रहा है, रन. तो रन को क्रॉस करेंगे. और ये लड़की क्या कर रही है, स्पाइडरमैन की तरह फ्लाई कर रही है. तो फ्लाई करना है. और ये क्या है, आराम से सो रही है. तो इसका हम क्या लिखेंगे, स्लीप. और ये क्या कर रही है, अपने हाथों पे चल रही है, क्राउल कर रही है. तो उसके बाद ये क्या कर रहा है, क्लाइंब कर रहा है, पेड़ पे चढ़ रहा है. तो ये सारे हमने एक्शन वर्ड लिखे, ईट, ड्रिंक, जंप, स्विम, वॉक, रन, फ्लाई, स्लीप, क्राउल, क्लाइंब. नेक्स्ट क्या है, अब हमें एक्टिविटी को मैच करना है. ये फोटोग्राफ है और इससे इसको मैच करना है. तो देखो फर्स्ट में क्या कर रहा है, ये बॉय रन कर रहा है, तो रन से मैच कर देंगे. और ये क्या कर रहा है, जंप, तो जंप से मैच कर देंगे. और ये क्या कर रहा है, ड्रॉ कर रहा है, तो पेंट कर रहा है, तो पेंट से मैच करेंगे. और ये क्या कर रहा है, वॉक कर रहा है, तो वॉक से मैच करेंगे. और ये गर्ल क्या कर रही है, ईट कर रही है, तो ईट से मैच करना. पहले फोटोग्राफ को देखेंगे और फिर वर्ड्स को देखेंगे, उसके बाद उसको रीड करेंगे और इसके बाद हम इसको मैच कर देंगे. तो ये हमने कंप्लीट कर लिया. नेक्स्ट वन सेकेंड फिर से, आर यू एंड रन. तो रन मीन्स क्या होता है, दौड़ना. तो इसमें देखो कौन सा पिक्चर है जिसमें जो चिल्ड्रन है वो दौड़ रहा है. तो यहाँ पे किसमें, ये बॉल गर्ल है, ये दौड़ रही है. ये क्या है, जंप. जंप मीन्स क्या होता है, कूदना. तो यहाँ पे देखो कौन सा है पिक्चर जिसमें कोई भी जंप की एक्टिविटी हो रही है, तो ये. नेक्स्ट क्या है, कट. कट मीन्स क्या होता है, काटना. अब यहाँ पे देखो कौन से है, कौन सा पिक्चर है जिसमें कटिंग हो रही है, यानी कौन से है, तो ये यहाँ पे वाटरमेलन को कट किया जा रहा है. और यहाँ पे क्या है, राइट. राइट मीन्स क्या होता है, लिखना. तो यहाँ पे देखो कौन सा पिक्चर है जिसमें राइट किया जा रहा है, यानी लिखा जा रहा है, तो ये. तो हमने इस तरह से इसको मैच कर दिया. तो हम बहुत सारी एक्टिविटी कर सकते हैं, है ना. तो हमारा जो एक्शन वर्ड है वो कंप्लीट हुआ. बहुत सारी हम एक्शन कर सकते हैं. आई कैन रन, आई कैन राइट, आई कैन स्विम, आई कैन वॉक, आई कैन क्लाइंब, आई कैन रीड, आई कैन राइट, आई कैन ईट, आई कैन ड्रिंक. तो हम बहुत सारे एक्शन दिन भर में करते हैं. और ये सारे जो वर्ड्स होते हैं, ड्रिंक, रीड, राइट, ईटिंग, स्विमिंग, समथिंग, ये जितना भी सब कुछ है वो क्या होता है, एक्शन वर्ड होता है. तो आपको अपने नोटबुक में इसको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, अपने बुक से इसको रीड करना है और उसके बाद उस एक्शन को करना भी है. तो आपको ये लर्न हो जाएगा, ओके, कौन सी एक्टिविटी को क्या कहा जाता है ना. तो इस तरह से आपको लर्न हो जाएगा. तो अब हम क्या करना है, आपको लास्ट में पता है ना क्या करना है, वीडियो को फुल वॉच करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक का बटन जरूर प्रेस करना है. तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए वर्ड्स के साथ. बाय बाय चिल्ड्रेन, हैव अ नाइस डे, टेक केयर.